आज हम पहुंचे विशाखापट्टनम के फिश एक्वेरियम में। अगर आप भी यहाँ आके फिशेस देखना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको विशाखापट्टनम आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी सुंदर सुंदर और बहुत प्रकार की जो फिशेस है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी शॉप्स भी है। शॉप्स में आपको मसाले, खाने की चीज़ें, सजने धजने की लड़कियों की चीज़ें, बहुत सी आपको चीज़ें जो है यहाँ पे आपको शॉप्स में मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे झूले भी लगे हैं, जो बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है, और साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें, खाने की चीज़ें भी यहाँ पे है, खाने की चीज़ों के स्टॉल भी यहाँ पे लगे हैं। अगर आपको इन सभी चीज़ों का आनंद लेना है तो आप ही विशाखापट्टनम आ सकते हैं। अगर आप विशाखापट्टनम जाना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि विशाखापट्टनम जाने के लिए आपको हवाई मार्ग से भी आप जा सकते हैं, साथ ही सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप रेल मार्ग का भी इस्तेमाल जो है यहाँ जाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो जैसे कि हमने आपको बताया कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक प्रगतिपूर्ण शहर है। यहाँ पर आपको ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ भी मिल जाएंगे। भारत में एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इंडिगो जैसे विभिन्न प्रकार के जो प्रचलित हवाई जहाज़ है यहाँ पे, वे सभी कंपनियाँ उपलब्ध हैं। साथ ही भारत के किसी भी कोने से आप हवाई जहाज़ के सहारे विशाखापट्टनम आ सकते हैं। ये भारत का प्रचलित शहर होने के वजह से लगभग सभी राज्य और शहर के हवाई जहाज़ों को यहाँ रुकने का बंदोबस्त जो है किया जाता है। इसके अलावा आप सड़क मार्ग होते हुए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको चिकनी सड़क यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो भारत के लगभग सभी मशहूर शहरों को जोड़ती है। उदाहरण के तौर पर बताएं तो NH5 कोलकाता से विशाखापट्टनम को जोड़ती है, जिसके रास्ते अब कोलकाता और विशाखापट्टनम की दूरी जो है वो 14 घंटे की रह गई है। इस तरह विशाखापट्टनम को हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोलकाता और अन्य शहरों से भी जोड़ा गया है। अब भारत के किसी भी मुख्य शहर से सड़क मार्ग के सहारे विशाखापट्टनम पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप स्वयं की गाड़ी या किसी भी बस सेवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि विशाखापट्टनम के लिए रेल मार्ग भी मौजूद है। आप बड़ी आसानी से रेल का इस्तेमाल करके विशाखापट्टनम भी आ सकते हैं। विशाखापट्टनम पहुंचने के लिए आंध्र प्रदेश के लगभग सभी शहर या स्टेशन से लोकल ट्रेन की सुविधा दी जाती है, ताकि आप अगर आंध्र प्रदेश में रहते हैं तो काफ़ी कम शुल्क में विशाखापट्टनम पहुँच सकते हैं। अगर आप किसी अन्य राज्य में रहते हैं तो आपको ट्रेन और सीट के अनुसार पैसे देकर विशाखापट्टनम आना होगा। लगभग सभी प्रचलित और बड़ी ट्रेन विशाखापट्टनम तक छात्राओं को पहुंचाने का जो है वो कार्य करती है। वो देखो स्टारफिश, क्रैब ने स्टारफिश को पकड़ लिया। वो देखो क्रैब ने स्टारफिश को पकड़ा। हमें स्टारफिश को बचाना होगा। एंजल फिश, जैसा कि हमने आपको बताया कि विशाखापट्टनम जो है एक मोस्ट पॉपुलर शहर है। यहाँ पे घूमते वक्त आपको ना कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कुछ खास चीज़ें आपको अपने पास रखने की जो नीड होती है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि विशाखापट्टनम में जो मौसम है वो ना अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा रहता है। इसके अगर आप यहाँ पर आते हैं अक्टूबर या मार्च के महीने में यहाँ पर घूमने आते हैं तो आप अपने साथ कुछ थोड़े गर्म कपड़े रख सकते हैं। इसके अलावा पेट खराब और बुखार होने की दवाई और उल्टी की दवाइयाँ भी आप अपने साथ रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जितनी भी जगह है घूमने के लिए वो बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाली होती है, इसीलिए अभी कोरोना जो है पूरी तरह से नहीं गया है, तो आपको इस दौर में अपना टीकाकरण पूरा करने के बाद ही घूमने के लिए जाना चाहिए। अगर आप कोरोना टीकाकरण आपका पूरा हो गया है तो आप इसकी एक पर्ची अपने पास ज़रूर रख लें। इसके अलावा आप टिकट, कुछ पैसे और आईडी कार्ड भी अपने साथ ज़रूर रखें।
साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि विशाखापट्टनम में जो सबसे फेमस फूड है वो है इडली, डोसा, टमाटर बाजी और पुंगलू है। आप ज़रूर इन सभी चीज़ों को यहाँ पे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो पुंगलू है वो बेहद टेस्टी है। इसके अलावा आप डोसा जो है वो भी यहाँ पे अच्छा बनता है, इडली यहाँ पे अच्छी बनती है, और टमाटर बाजी भी यहाँ पे जो है आप खाना ना भूलेगा। Amen.